हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल झटपट होम फूड्स। आज मैं आपको बताऊंगी हम अपने सालन को रिन्यू कैसे कर सकते हैं, और जो चावलों के लवर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होगी। देखें, ये मैंने आलू की कतलियां हैं, ये हमारे पास सालन है बेसिकली जो हमने बनाया था, ये रखा हुआ है ऐसे। अब भाई नहीं दिल चाह रहा खाने का, तो अब हम क्या करें इसके साथ? कुछ भी नहीं करना, चावल भी खाने हैं भाई हमें और सालन को भी रिन्यू करना है। तो हमने सिर्फ इसके लिए ली है एक अदद प्याज, उसको हमने कट कर लिया है। दो टमाटर लिए हैं हमने, उसको कट कर लिया है। हाफ टी स्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। एक टी स्पून हमने सॉल्ट ऐड करा है। सॉल्ट आप जो है वो अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, और मिर्च ऑब्वियसली सालन में हमारे पास इंक्लूडेड है तो हमने इसमें कम ही रखी हैं। हम ऊपर से जो है वो हरी मिर्च डाल देंगे, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना है और सालन भी हमारा जो है वो रिन्यू हो जाएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप ऑफ ऑयल। अच्छा जी व्यूअर्स, हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 1 कप ऑफ ऑयल। अच्छा जी, इसको हल्का सा जो है ना ब्राउन कर लेना है। सालन भी हमारा रिन्यू हो जाएगा और चावल के जो लवर है उनकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी। बेसिकली मैं तो बहुत ज़्यादा चावल की लवर हूँ, तो अब देखेंगे हो गई है, होने वाली है। बस हल्की सी और फ्राई करेंगे हम इसको। ये देखें व्यूअर्स, हमारी प्याज हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने टमाटर और ये मसाला। अच्छा ये थोड़े से गल जाए। टमाटर में अच्छा व्यूअर्स, हमने अपना फ्रिज खोला तो उसके अंदर हमें ये थोड़े से मटर भी मिले हैं, तो इसको भी हम अपने डिश के अंदर डाल देंगे भाई। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे टमाटर हो चुके हैं। अच्छा जी, ये हमने जो है वो चावल भी लिए थे, एक गिलास को हमने भिगो दिए। अच्छा अब हम जो है अपने मसाले के अंदर जो है वो पानी ऐड कर देंगे। एक गिलास हमने चावल लिए, तो दो गिलास हम इसके अंदर जो है पानी ऐड कर देंगे, सही है। आँच फुल कर देंगे हम अपनी, ठीक है, आगे इसमें उबाल आ जाए। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा पानी खोल गया है, उबाल आ गया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसके अंदर अपने चावल ऐड कर दिए हैं। ये हमारे पास नया चावल था इसलिए हमने जो इसको कम भिगोया। नया चावल हमेशा जो है वो कम भीगता है। इसको हमने 5 मिनट्स के लिए भिगोया, 5 to 10 मिनट्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं भिगोया। और जो पुराना चावल हो जाता है ना वो फिर हम ज़्यादा देर के लिए भिगोते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोएंगे तो ये पिचपिचा और अजीब सा हो जाएगा, मतलब लेज लेज वाला और पिचपिचे चावल हो जाएंगे सारे, ये समझ लें आप लोग। अच्छा जी, अब हम इसमें चला देते हैं चमचा। ये हो गया है, जब इसका पानी जो है खुश्क होने लगेगा तब हम अपने आलू ऐड करेंगे, वरना हमारे आलू जो है वो नज़र ही नहीं आएंगे भाई। तो तब हम अपने आलू ऐड करेंगे और मटर ऐड करेंगे। अभी इसको हम होने देते हैं, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा चावलों का पानी जो था वो हो गया खुश्क। अब हम इसके अंदर अपने आलू ऐड करेंगे, सही है। अच्छा जी, ये देखें हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं अपने आलू का सालन जो।
अब हम इसको मिक्स कर देंगे बहुत प्यार से, ताकि जो आलूओं की शक्ल आ रही है ना हल्की पुलकी नहीं वो आती रहे। अच्छा बहुत एहतियात से इसको करना है, ठीक है जी। ये कर दिया है हमने मिक्स, अच्छा जी ये देखिए ये हमने कर दिए हैं मिक्स, सही है जी। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अपने मटर जो हमने लिए थे। ठीक है, ये हमने मटर भी डाल दिया, अपना आलू का सालन भी डाल चुके हैं। अच्छा अब हम जो है पुदीना डाल देंगे, 7-8 पत्ते जो है वो उसके पुदीने के काट के इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स अब हम इसके अंदर डाल देते हैं पुदीना। और 2-4 ऊपर से हरी मिर्च रख देते हैं। ये देखें व्यूअर्स हमने मिर्चें भी रख दी हैं और अपना पुदीना भी डाल दिया है, अपना सालन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, अपने मटर भी ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। नमक हमने 1/2 टीस्पून और ऐड करा था क्योंकि मुझे कम लग रहा था, आप लोग चेक करिएगा प्लीज़ पहले नमक फिर डालिएगा। वैसे 1/2 टीस्पून मुझे कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया था। अब मैं इसको रख दूँगी दम पे, जब मैं इसको रखती हूँ दम पे अपने चावलों को, कपड़ा रखते हैं ताकि कपड़े से जो है वो अच्छे हमारे चावल होते हैं, ठीक है जी। ये हमने इसको रख दिया है दम पे। और इसके नीचे रख देंगे हम तवा। ये देखिए व्यूअर्स हमने अपनी फ्लेम जो है वो तेज़ कर दी है और ये हमने तवा भी रख दिया है और चावल को रख दिए हैं दम पे। जब ये तेज़ गर्म हो जाएगा जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हर दफ़ा, तो फिर हम इसका चूल्हा जो है 5 मिनट्स के बाद हल्का कर देंगे और 15 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे अपनी डिश के अंदर। बहुत मज़े की रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा सालन भी वेस्ट नहीं हुआ, रिन्यू कर दिया हमने अपने सालन को और चावल जो कि बेसिकली चावल से रिप्लेस कर दिया हमने अपने सालन को। और जो लोग बेसिकली बहुत लवर्स होते हैं चावल के लिए, ये तो बहुत मज़ेदार डिश है उनके लिए, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देन अब 15 मिनट के बाद जो है मैं इसको सर्व करूँगी अपनी डिश के अंदर, ठीक है जी। ये हो गया है तेज़ गरम वैसे तो। अच्छा जी तो अब हम इसकी फ्लेम कर देते हैं लो, बिल्कुल दम वाली कर दी है हमने इसकी फ्लेम, ये आप देख सकते हैं जी। और इसको हम रख देते हैं 15 मिनट्स के लिए, जब तक के लिए छोटा सा ब्रेक। ये देखिए व्यूअर्स हमारे चावल जो हैं वो हो चुके हैं, अब हम इसको अपनी प्लेट के अंदर जो है वो सर्व कर देते हैं। ये देखें व्यूअर्स हमारी रीन्यू डिश जिसको आलू की कतलियों को हमने रिप्लेस करा था चावलों के साथ, वो है रेडी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये एक यूनिक डिश है
और हमारा जो सालन वेस्ट जाता है उसको हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया है डिफरेंट उससे है, क्योंकि बहुत से लोग एक टाइम खाते हैं खाना और अगले दिन कहते हैं कि भाई नहीं हमें नहीं खाना, दिल नहीं चाह रहा, तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त डिश है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।